हेलो एवरीवन तो आज मैं आपकी जी की क्लास लेने वाला हूँ वैसे तो मैं रेयरली कभी क्लास लेता हूँ पढ़ाता हूँ बट आई लव टू टीच एंड आई आई कैन टीच एनी थिंग ऑल द कैट सॉफ्टेस्ट यू कैम सॉफ्टेस्ट यू जी तो जी की क्लास आज मैं लेने वाला हूँ इसके बाद मैं इंजीनियरिंग ड्राॅइंग की भी क्लास लूँगा इसके बाद मैं कुछ थर्मो के भी लेक्चर्स लूंगा एंड आप सब सोच रहे होंगे कि यार ये सर तो हमेशा जॉब अपडेट्स देते हैं अब ये क्लास भी ले रहे हैं आई एम माई सेल्फ एम एन इंजीनियर मैं बिट्स पिलानी से पास आउट हूँ एंड आई हैव डन mechanical इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स इन मैथमेटिक्स ऑल्सो एम एस सी मैथ्स भी मैंने रखी है दोनों सेम ही कॉलेज से इट वॉज़ अ डूअल डिग्री जस्ट टेलिंग अ लिटल बिट अबाउट माई सेल्फ तो जी डी एन टी का क्या मतलब होता है अभी हम लैपटॉप पर सब कुछ शिफ्ट कर देंगे आपकी स्क्रीन बट उससे पहले पता होना चाहिए कि जी डी एन टी की रिक्वायरमेंट क्यों हैं क्यों आप जी डी एन टी सीख रहे हो जी डी एन टी के लिए बहुत सारी बुक्स हैं एंड बहुत सारे यूट्यूब पर लेक्चर्स भी हैं तो आप मेरा लेक्चर क्यों देखेंगे जब पहले ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन की तो कोई कमी है नहीं यूट्यूब पे कुछ भी टाइप करो कुछ भी मिल जाएगा आपको राइट तो ये जो जी डी एन टी की मैं क्लास लेने वाला हूँ आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री क्या डिजाइन का बिजनेस हम 25 फाइव ईयर से कर रहे हैं 25 साल से हम ड्राॅइंग्स देख रहे हैं इंडस्ट्री में क्या काम होता है सोलह हजार लोगों की प्लेसमेंट्स करवा दी है इंटरव्यूज रोज कराते हैं हमें पता है क्या क्वेश्चन आने वाले हैं राइट right? जे तो अगर आप मैकेनिकल के डिप्लोमा आपने किया है या आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपने अगर इंजीनियरिंग खत्म कर लिया डिप्लोमा कर लिया तो पेपर तो पास कर ही लिया पेपर तो वैसे ही आपको पता है कॉलेज में कैसे पास हो जाता है राइट right? सब आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर तो यू नो आई आई नो द प्रोसेस बट पेपर पास करना वर्सेस असली में एक ड्राइंग पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है दूसरा बुक में जो नॉलेज होती है कभी कभार बहुत ज़्यादा भी होती हैं अब हमेशा सुनने को मिलता है कि बुक में वो नॉलेज होती है जो इंडस्ट्री में नहीं होती कभी कभार बुक में जो नॉलेज होती है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा भी होती है कुछ ऐसे ऐसे सिंबल्स होंगे जो कभी यूज ही नहीं आएंगे ड्राइंग में बट आपने याद कर रखे हैं और आप दो महीने बाद भूल गए उसको सो दे इज नो पॉइंट ऑफ दैट मैं जो जी डी एन टी की क्लास लूंगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन समथिंग दैट विल हेल्प यू आउट आगे काम आएगा ठीक है इंटरव्यू में भी काम आएगा एग्जाम क्लियर करने में भी काम आएगा ड्राॅइंग्स पढ़ने में तो हंड्रेड परसेंट काम आएगा ही आएगा सो दिस इज़ आर एम दैट वी हैव टू बेसिकली लर्न समथिंग जिसका कुछ आगे यूटिलाइजेशन हो और आप ड्राॅइंग पढ़ते ही बता दो कि, अच्छा ये चीज़ है ये फर्क है आप किसी और को भी पढ़ा सकते हो मैं इस तरीके से आपको कराऊंगा ठीक है तो जी डी एन टी जो होता है विच मीन्स जोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग इसका यू uh, नो you know, थोड़ी सी देर में बस बोलूँगा उसका क्लास स्टार्ट करेंगे वाई डू वी रिक्वायर इट रिक्वायर इट बिकॉज इंडस्ट्री में जब भी काम होता है कभी भी कोई डायमेंशन देते हैं टॉलरेंसिंग देते हैं एक पर्टिकुलर मेथड से चलनी चाहिए लेट सपोज मैंने एक ड्राइंग बनाई और आपने एक ड्राइंग बनाई मैं कहता हूँ मैं तो एमएम MM में ही काम करूँगा आप कहते हो मैं इंच में काम करूँगा मैं कहता हूं यार मैं एरो के बजाय सीधा स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा आप कहते हो एरो की जगह मैं लास्ट में टिप की जगह सर्कल बना दूंगा तो ऐसे सब अपनी चलाने लग गए तो ड्राइंग कैसे पढ़ पाऊंगा मैं किसी और बंदे की उसकी ड्राइंग ठीक भी होगी बट वो काम किसी और तरीके से कर रहा है मैं किसी और तरीके से कर रहा हूँ वो कोई और सिंबल यूज़ कर रहा है मैं कोई और सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसे तो सब अपनी चलाने लग जाएंगे तो फिर तो कुछ समझ ही नहीं आएगा किसी को सो जी डी एन टी इज़ अ सिस्टम इट्स जस्ट अ सिस्टम कोई इसमें साइंस नहीं है कुछ इसके अंदर नहीं है बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ड्रॉइंग के अंदर जो सिंबल्स हैं और क्या उसका मीनिंग है किस तरीके की फिट्स होती है ताकि आप ड्राॅइंग पढ़ते ही समझ जाओ कि ओके दिस इज व्हाट द रिक्वायर कभी आप कल को दुबई पढ़ने जा रहे हो या काम करने जा रहे हो कनाडा यूएस कहीं भी इट इज़ वेरी वेरी स्टैंडर्ड राइट उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा वही चीज़ें बताऊंगा और मैंने बहुत सारे सोर्सेज आपके लिए ला के रखा रखे हुए हैं मैंने तो उस सोर्सेज में से बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप कर दूंगा इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप पढ़ो ही मत बट इंडस्ट्री में वो 99% यूज में नहीं आएगा सो वी विल ओनली पिक द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड बाकी मैं समझा दूंगा बट यू नो स्टिल हमें कोई एग्जाम क्लियर नहीं करने कॉलेज के हमें काम करना है हमें वो स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी लानी है इसलिए वी विल कॉन्सिडेट ओनली द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड पूरी वीडियो देखो और मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करो बट करो बिकॉज इट विल हेल्प एवरी शेयर द वीडियो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब वट जो ये सब यूट्यूब वाले बोलते हैं आई एम ऑल्सो सेंग द सेम थिंग एंड कॉपी पेन लेके बैठो जहाँ स्क्रीन शॉट लेना ले लो और ग्रुप्स ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप के उसमें मैं सारी जितनी भी चीज़ें मैं पीडीएफ से पढ़ के बताऊँगा वो पीडीएफ भी डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ओके सो या विल स्टार्ट इट हेलो एवरीवन तो क्लास स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं दिस इज द क्लास ऑफ जी थोड़ा सा इसकी थकनेस बढ़ा देते हैं नेम इज़ जक्शित मखीजा मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एंड आई हैव हैल्सो डन मैकेनिकल एंड एम एस इन मैथमेटिक्स ए एस एम ई क्या होता है ए एस एम ईज दर्गेनाइजेशन जो रूल्स सेट करती है जी डी एन टी का ये मतलब होता है कि रूल्स के हिसाब से आप डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस को डिफ़ाइन करते हैं तो जब तक रूल्स नहीं होंगे जो सब लोग एक साथ फॉलो नहीं करते तब तक उस सिस्टम का कोई सेंस नहीं है तो एस एम ई जो है उसके लेटेस्ट रूल दो हज़ार नौ और अठारह के हैं जिस हिसाब से हम इंडस्ट्री स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज इंजीनियर्स सब उसको फॉलो करते हैं तो डायमेंशनिंग <coughs> का इसमें क्या क्या है क्या क्या कवर होगा सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले बेसिक चीज़ को देखते हैं ज्योमेट्रिक टॉलरेंस सिस्टम होता है ठीक है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आपको डायमेंशन दे रखी है उसको हम डिफाइन करते हैं तो उसको हमने डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक हमारे पास सॉलिड पार्ट है सॉलिड पार्ट के अंदर हमारे पास एक होल है ठीक है फ्रंट व्यू देखोगे तो वो एक रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल ही दिखेगा टू एक्स का क्या मतलब है टू एक्स का ये मतलब है कि दो होल्स हैं दोनों की एक साथ मैंने डायमेंशन दे दी तो टू एक्स या कुछ भी लिखा हो यो फाइव एक्स लिखा हो उसके आगे डायमीटर हमेशा सिंबल पहले आता है डायमीटर हो या आर टेन हो या डायमीटर मीटर टेन हो तो पहले सिंबल आता है फिर वैल्यू आती है ऐसा नहीं कि आप टेन डाया लिख दो या टेन आर लिख दो पहले सिंबल होगा टेन प्लस माइनस पॉइंट टू अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैंने पांच सर्कल्स की आपको होल्स की एक साथ टॉलरेंसिंग लिख दी एंड मेरी राइटिंग बहुत गंदी है एंड मैं यू नो आई डोंट यूज इट मच ऑफन तो आ, प्लीज यू नो फॉर गिव मी फॉर दैट तो टेन का डायमीटर है प्लस माइनस पॉइंट टू जो है इसका जो है लिमिट प्लस माइनस में जा रही है टॉलरेंस क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा ऑब्वियसली ठीक है बट इट मीन्स कि ये जो 10 का डाया है ये 10.02 भी हो सकता है 10.2 सॉरी एंड 9.8 भी हो सकता है राइट right? ठीक है जी कोई बात नहीं ये भी हो गया बट द प्रॉब्लम इज कि इसके अंदर आई इफ आई प्लेस दिस प्लेट लाइक दिस एक सर्फेस प्लेट सर्फेस प्लेट मतलब जो बिल्कुल स्टैंडर्ड है एकदम परपेंडिकुलर है परफेक्ट है उस पर मैंने ये चीज बिठा दी मैंने यहाँ पे लिख दिया x x का मतलब कि इस प्लेट के यहां से इसका कुछ 10 दस सपोज डिस्टेंस है तो 10 एम mm एम में मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगी प्लेट पे भी जरूरी नहीं है कि ये जो प्लेट है ये 100 परसेंट सीधी है ये ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकती है और ऊपर नीचे होने के हिसाब से इसको मैं ऐसे लिटा के रख सकता हूँ जिसके अंदर थोड़ी सी यहां पे जगह रह गई और इसके अंदर बिल्कुल जगह नहीं होगी ऐसे भी रख सकता हूँ पर दोनों में दिक्कत आ गई राइट सो दैट इज द प्रॉब्लम कि सिंपल कोऑर्डिनेट जो हम डिफाइन कर रहे हैं उससे प्रोडक्ट जो है आपका वो पूरी तरह डिफाइन नहीं हो रहा ठीक है तो ये प्रॉब्लम है सिर्फ एक कोऑर्डिनेट टॉलरेंस सिस्टम में इट इज नॉट इनफ इट इज़ नॉट रॉन्ग ये नहीं कह रहा कोई गलत है ये इट इज राइट बट इट इज नॉट इनफ क्यों क्योंकि इसके अंदर फिक्स टॉलरेंस जोन है इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखे क्या है इंस्पेक्शन के एंड इसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है ठीक है तो हम इसको जब प्लेस कर रहे हैं सिंस आई डू नॉट नो अबाउट द प्रोडक्ट कि ये कितना फ्लैट है या कितना कंसेंट्रिक है और समथिंग लाइक दैट ये इसके अंदर प्लस माइनस हमारा आ सकता है दैट्स वाई इट्स नॉट इनफ टॉलरेंसिंग जो होती है वो हमारी दो तरीके की होती है एक लीनियर टॉलरेंस है जो मैंने बताई थी दूसरी है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस जोमेट्रिक टॉलरेंस हमारे पास रिक्वायर्ड है जिससे हम उसका फॉर्म प्रोफाइल लोकेशन ओरियंटेशन रनआउट सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं तो इसके अंदर जोमेट्रिक टॉलरेंस जो आएगी अब दिस इज द सिस्टम दैट दिस क्लास इज ऑन और आज सिर्फ टॉलरेंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास डायमेंशनिंग की होगी उसकी नेक्स्ट क्लास फिट्स की होगी आज जो है टॉलरेंसिंग विल बी डिस्कस्ड ठीक है तो ये जो हमारा अब ये बॉक्स जो हमने बना दिया है और ऊपर हमने ये वही चीज है टू एक्स टेन डाया प्लस माइनस पॉइंट टू बट नीचे ये बॉक्स भी ऐड कर दिया इस बॉक्स की वजह से नाउ आर प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली डिफाइंड क्या इसका मतलब होता है कैसे इसको पढ़ते हैं सारी चीजें समझाऊंगा ठीक है तो ये जो आपका ए सी और बी जो है दिस इज डेटम ठीक है डेटम का क्या मतलब था वो भी समझाऊंगा तो ये अब फुली डिफाइंड है इसके बाद ये मैं सिर्फ पढ़ना सीख गया तो मैं कुछ भी बता दूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये कहाँ पे रखा है कितना फ्लैट है क्या इसका बेसिकली पूरी हिस्ट्री है सो so ये एग्जैक्ट एक लैंग्वेज है जो डिज़ाइन इंजीनियर यूज़ करते हैं अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो कैड इंजीनियर हो सिविल इंजीनियर हो आपको ये सब नहीं आता यू कै नॉट रीड ड्राॅइंगस ये बहुत ज़रूरी है तो इसलिए जितने भी इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये सब जी डी एन टी की एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें दे कैन रीड इमीडिएटली इसका क्या मतलब होता है वट इज़ दिस दिस इज दिस क्लास ऑन ठीक है तो नोट्स बनाते रहो जो भी है और इसमें कुछ कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन आएंगे वो भी अब ये है ना बोरिंग लग रहा है बेनिफिट से पढ़ोगे ही नहीं आप बट यार इसको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ जीडीएनटी क्यों यूज़ करते हैं तो क्या बोलोगे वहां पे ये बोलोगे कि सिलेबस में था हमारे आप बोलोगे कि सर कम्युनिकेशन बढ़ती है कम्युनिकेशन कैसे बढ़ती है कि यार मैंने पूरा डिफाइन कर दिया तो आपको एक एक चीज समझ आ गई ना कि इसका क्या मतलब है तो मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया है सिंपल से कि भाई ये प्रोडक्ट जो है इस हिसाब से बनना चाहिए आप नहीं बना पाओगे तो आपकी गलती है बट मैंने तो कम्युनिकेट कर दिया सो इट इंक्रीजेज द कम्युनिकेशन बेटर प्रोडक्ट डिजाइन ऑब्वियसली जितना डिफाइन कुछ करोगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बेटर डिफाइन होगा ठीक है टॉलरेंसेस बढ़ा देता है टॉलरेंसेस सिर्फ लीनियर की नहीं बढ़ रही फॉर्म की भी बढ़ रही है तो यहाँ पे हमने बात करी थी ना लीनियर टॉलरेंस ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक में फॉर्म प्रोफाइल लोकेशन ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस भी आपको दे रहा है वो ठीक है बोनस हो गया ना एक एक्स्ट्रा आपकी इन्फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की एंड लोअर्स द कॉस्ट डिपेंड करता है कॉस्ट क्वालिटी तो ज़बरदस्त बढ़ती ही बढ़ती है कॉस्ट कैसे कम करेगा और वेस्टेज वगैरह कम करके तो ये सारे सिम्बल्स हैं ठीक है कैसे कैसे इसमें आते हैं कौन कौन से आते हैं पहले लीनियर की बात करते हैं बेसिक सिंपल पहले वही समझ लेते हैं इसमें भी कुछ चीज़ें हैं समझाने की आपको बेसिक साइज़ क्या होता है बेसिक साइज इज़ द बेसिकली थोरिटिकल साइज जिसके अंदर सब कुछ डिफाइन होता है तो मैं अगर एक लाइन ले लेता हूँ दस एम की तो इसका आ, मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है आप इसको बस एम mm मान लो टेन एम mm की लाइन है तो मैं इसका बेसिक साइज टेन मानूंगा ठीक है अब वो प्लस माइनस कुछ हो सकती है क्योंकि प्रिसीजन हमेशा 100% कहीं पॉसिबल नहीं है सो दैट इज समथिंग एल्स बट इसका बेसिक साइज जो है वो 10 एम mm एम है ठीक है टॉलरेंस क्या होती है टॉलरेंस का मतलब क्या होता है मैं तब से टॉलरेंस बोल रहा हूं मतलब क्या होता है टॉलरेंस का मतलब होता है कि टॉलरेंस ऑन अ डायमेंशन इज द टोटल परमिशिबल वेरिएशन वेरिएशन इज द वर्ड हेयर ये याद रखना आप इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज टॉलरेंस आपको याद रखना है वेरिएशन वर्ड ठीक है तो वेरिएशन <coughs> का क्या मतलब होता है कि कम ज्यादा कितनी हो सकती है ठीक है तो इसके अंदर हम अगर बात करते हैं फिर से मैं टेन एम की लाइन की बात कर लेता हूं तो इसको मैं कहता हूं कि ये प्लस पॉइंट वन माइनस पॉइंट थ्री इसका क्या मतलब है कि टेन पॉइंट वन भी ये लाइन हो सकती है मैक्सिमम और नाइन पॉइंट सेवन भी हो सकती है मतलब क्या हुआ टॉलरेंस का डिफरेंस बिटवीन द लिमिट्स ऑफ साइज अब टॉलरेंस कैसे निकलेगी कि टेन पॉइंट वन माइनस नाइन पॉइंट सेवन या आप इसको भी नेगेटिव कर सकते हैं इसको जस्ट सब्ट्रैक कर सकते हैं पॉइंट वन माइनस माइनस पॉइंट थ्री पॉइंट फोर इसकी टॉलरेंस है मतलब ये लाइन जो है ये पॉइंट फोर कम ज़्यादा हो सकती है मैक्सिमम ऐसे बायलेटरल टॉलरेंस का क्या मतलब होता है ये बाइलेटरली लिखी है मैंने टेन पॉइंट वन और ये नाइन पॉइंट सेवन जो लिखी है मतलब ऊपर नीचे दोनों की टॉलरेंस इंटरव्यू में शायद ही कोई पूछेगा बट याद रख लो कोई नुकसान नहीं है यूनिलेटरल टॉलरेंस का मतलब कि इन वन डायरेक्शन ओनली यूनीटर का ये मतलब नहीं है कि एक ही टॉलरेंस है मैं ये कह रहा हूँ कि ओनली इन वन डायरेक्शन मतलब कि लेट्स सपोज कोई पार्ट है आयरन है गर्मी में तो फैलेगा ही ना गर्मी चल रही है तो मैं कहता हूँ कि यार पॉइंट पॉइंट टू से पॉइंट सिक्स तक फैल सकता है मिनिमम टू मैक्सिमम तो ये यहाँ लिखना था पर जगह नहीं है मेरे पास तो इसकी टॉलरेंस क्या होगी इसकी भी पॉइंट फोर होगी पॉइंट सिक्स माइनस पॉइंट टू करोगे तो इसकी भी पॉइंट फोर ही होगी कि ये मैक्सिमम इतना यह कम ज़्यादा हो सकता है बट दिस इज यूनिलेटरल बिकॉज दोनों पॉजिटिव में है दोनों प्लस माइनस होगा प्लस पॉइंट वन माइनस पॉइंट थ्री सो इट विल बी बाइलेटरल वन डायरेक्शन इज यूनिटरल ठीक है मैक्सिमम मटेरियल साइज क्या होता है ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ठीक है कॉलेज में जब भी पढ़ाते हैं इंटरव्यू के हिसाब से नहीं पढ़ाते जॉब के हिसाब से नहीं पढ़ाते मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो आपके काम आएगी इंटरव्यू में भी और वैसे भी वर्किंग में भी ये कह रहा है लिमिट ऑफ द साइज ऑफ अ फीचर that results इन द पार्ट कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ material, ठीक है इसका मतलब है maximum लिमिट ऑफ साइज ऑफ अ शाफ्ट जैसे मैंने एक होल ले लिया ठीक है एक शाफ्ट ले ली ठीक है प्लीज मेरी जो drawing है उसका आप मजाक मत उड़ाना होल मैं कहता हूं पांच एम mm का शाफ्ट भी पांच एमएम mm की मान लेते हैं ऑब्वियसली ठीक है इसमें चली जाएगी हाँ चली जाएगी बिल्कुल बट यार होल कम ज्यादा हो सकता है और शाफ्ट भी कम ज्यादा हो सकती है होल आयरन का और शाफ्ट एल्यूमिनियम की हो तो फैल जाएगी ठीक है तो ये कह रहा है भाई मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द शाफ्ट मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है मैं कहता हूँ फाइव पॉइंट वन होगी तो भी चली जाएगी बिकॉज ये भी फैल रहा है तो फाइव पॉइंट वन विल बी दी एम एम सी मैक्सिम मटीरियल साइज या वो कह रहा है मिनिमम साइज ऑफ अ होल कि उससे छोटा अगर होल हुआ तो नहीं घुसेगी मतलब मैं कहता हूँ कि लट्स फोर पॉइंट नाइन से छोटा जो है होल नहीं हो सकता वरना ये नहीं घुसेगी तो 4.9 उस केस में एम हो जाएगा और अगर 5 इसको भूल जाओ 4.9 पॉइंट नाइन और अगर ये 5.1 पे भी जा रहा तो ये 5.1 पॉइंट वन मैक्मम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द शाफ्ट एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द होल ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो इसका सीधा मतलब मोटी मोटी बात यह है कि मैक्सिमम साइज मटीरियल का क्या होगा जिसमें वो फिट हो जाए ठीक है ये इसका मतलब होता है ऐसे ही वो टॉलरेंस समझाने के लिए 1.5 बेसिक साइज़ है प्लस माइनस पॉइंट फाइव पॉइंट जीरो जीरो फ़ोर इसकी टॉलरेंस टॉलरेंस नहीं है लिमिट्स हैं टॉलरेंस जो होगी एक तो लिमिट ऑफ साइज़ क्या होगी वन पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट जीरो जीरो फोर करोगे तो ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स दोनों का डिफरेंस जो है ये आपकी टॉलरेंस है ठीक है तो इतनी बेसिक चीज़ समझने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जनरल टॉलरेंस की बात हो गई लिमिट डायमेंशन की बात कर लेते हैं प्लस माइनस डायमेंशंस की बात कर लेते हैं टॉलरेंस दे रखी है ना डेसिमल्स प्लस माइनस पॉइंट टू यह जनरल टॉलरेंस है जैसे मैंने फाइव प्लस माइनस पॉइंट टू लिख दिया वॉट एवर पॉइंट जीरो टू दिस इज जस्ट अ जनरल टॉलरेंस बट लिमिट डायमेंशंस में क्या है कि मैंने इसको डायमेंशन भी लिख दिया तो मैंने टू पॉइंट जीरो जीरो वन लिखने के बजाय मैंने टू और टू पॉइंट जीरो जीरो वन लिख दिया ठीक है नीचे वाला जीरो भी डिफाइन कर देंगे इसको तो इसको लिखने का ये तरीका है कि लिमिट डायमेंशन में मैंने सीधा लिमिट ही लिख दी मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा डायमेंशन के अंदर ही लिख दिया तो ऐसा अगर लिखा होगा आप कहोगे यार ये क्या लिख दिया ये तो दो डायमेंशन आ गई मैं क्या बनाऊंगा आप दो की ही लाइन बनाओगे वैसे प्रोडक्ट की बट प्लस और ये माइनस जो है ये इसकी टॉलरेंस इन्होंने डायमेंशन में ही लिख दिया है दिखा दिया ठीक है और प्लस माइनस डायमेंशन में क्या है कि आपने डायमेंशन के अंदर तो जो जनरल टॉलरेंस है हमने टॉलरेंसमशन के अंदर दिखा दी कि टू जो बेसिक साइज है प्लस दिस माइनस ठीक है अब फिट्स की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कौन कौन सी फिट्स होती है डेविएशन क्या होता है अपर डेविएशन क्या होता है लोअर डेविएशन क्या होता है इसकी मैं अलग वीडियो डालूंगा अभी बात हो रही है टॉलरेंस की ठीक है टॉलरेंस में बात करें तो एक ये भी पी है मैंने बहुत सारा मटीरियल आप लोगों के लिए तभी मुझे टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में तो कोई भी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ लीनियर टॉलरेंस जो है इसको कम कर लेते हैं लीनियर टॉलरेंस जो है चल जाता है काम बट इतना नहीं चलता तो उसको और बढ़िया तरीके से करने के लिए वी आल्सो डिफाइन अ फॉर्म ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस में ये फॉर्म टॉलरेंस है फॉर्म टॉलेंस में क्या आता है स्ट्रेटनेस आता है फ्लैटनेस आता है सर्कुलैरिटी आता है सिलेंड्रिकॉलिटी आता है याद रख लो ये ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि मेरे को चार फॉर्म तरीके की टॉलरेंस बताओ पर क्या पता कोई पूछ भी ले वैसे कोई इंटरव्यू वाले होते हैं ऐसे टेढ़े वो बोलते हैं चार तरीके की फॉर्म टॉलरेंस बताओ तो आप समझ लो फॉर्म का मतलब क्या होता है शेप होती है राइट तो स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिकलिटी एक ही कोई शाफ्ट है उसको एक्सप्लेन कर रही है ना उसकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर रही है कि वो कितना स्ट्रेट है क्या है राइट सो दैट इज कॉल्ड अ फॉर्म ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है कि वो किस तरीके से रखी हुई है इसमें पैरेललिज्म परपेंडिकुलरिटी एंगुलरिटी देन प्रोफाइल प्रोफाइल में प्रोफाइल ऑफर लाइन प्रोफाइल ऑफर सरफेस कभी नहीं आएगा कहीं भी ज्यादा यूज रन आउट आ सकता है रन आउट आ गया आपका और लोकेशन आ गई वेरी इंपॉर्टेंट ये आएगी यूज आपके तो लोकेशन के लिए तो प्योर हमारा वो बॉक्स वाला चलता है बॉक्स भी समझा दूंगा आपको एंड देन फिर वीडियो हम खत्म कर देंगे इसको तो ये जो है हमने बात करी थी जो वेट जस्ट टू सेकेंड्स टॉलरेंस टाइप्स लीनियर तो मैंने बता दिया प्लस माइनस का खेल है यूनि लेटरल बायोलेटरल सिंपल जोमेट्रिक फॉर्म जो ये सारा है फॉर्म प्रोफाइल लोकेशन ओरिएंटेशन रन आउट ये मैंने आपको सारा यहाँ पे बता दिया अब पढ़ते कैसे हैं और क्या इसका मतलब होता है उस पर आ जाते हैं ठीक है ओके okay. तो ये जो बॉक्स है इसको समझने के लिए पहले तो ये जो शुरू में सिंबल है इसको समझना जरूरी है कि ये क्या दे रखा है ठीक है फिर पॉइंट वन का क्या मतलब है एम का क्या मतलब है ए का क्या मतलब है ये चीज तो आप समझना बहुत आसान है आपके लिए अब वॉट डज दिस मीन राइट इसका तो कोई इट्स वेरी सिंपल कि दो होल्स हैं दस का डाया है प्लस माइनस पॉइंट टू इज़ दी टॉलरेंस सॉरी लिमिट्स तो टॉलरेंस जो होगी उसकी डबल हो जाएगी बट उस बॉक्स को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दी सिम्बल्स ये याद रहने चाहिए आपको तो जो फॉर्म वाली टॉलरेंस थी उसके चार सिम्बल्स जो हैं स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस सर्कुलरिटी एंड सिलेंड्रिकालिटी ठीक है सिलेंड्रिसिटी ओरिएंटेशन का जो है उसमें एंगुलरिटी परपेंडिकुलरिटी पैरलिज्म पोजिशन पोजिशन इज इंपॉर्टेंट ये लोकेशन में आ जाता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैटनेस स्ट्रेटनेस इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटनेस भी आती है शाफ्ट वगैरह में जो है जब इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स देखेंगे तो स्ट्रेटनेस आएगी सर्कुलरिटी भी आ सकती है जब आप सी के अंदर कुछ काम करते हैं तो इसके अंदर सर्कुलरिटी का भी काम आ जाता है एंगुलैरिटी परपेंडिकुलरिटी सब कुछ यूज़ आता है पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेंट्रिसिटी सबका क्या मतलब होता है सब कुछ समझाऊंगा तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो ढंग से देखिए रनआउट टोटल रनआउट प्रोफाइल ऑफ अ लाइन सरफेस सरफेस में इसको बस हम क्लोज कर देते हैं तो ये सरफेस बन जाता है तो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए ये ठीक है आपको ग्रुप्स पे सारा आपका जो है आ, हम शेयर कर देंगे सारा मटेरियल तो स्ट्रेटनेस जो है बेसिकली वो अप्लाइड किस पे होती है वो फीचर पे होती है एंड फीचर ऑफ सरफेस पे होती है तो एफ ओ एस ये सब इसकी जो डेफिनेशन uh, uh, है इस पे आ जाते हैं पहले राइट एंड की टर्म्स जो होता है वो होता है फीचर ऑफ सरफेस नहीं सॉरी वो फीचर ऑफ साइज होता है ठीक है uh, तो फीचर का क्या मतलब होता है इट इज़ अ फिजिकल पोर्शन ऑफ अ पार्ट सच एज अ सरफेस होल्स लॉट इसका ये मतलब है कि एक पार्ट सरफेस जो होती है उसको फीचर बोलते हैं जिसका ये मतलब है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि कोई भी थ्री का पार्ट है उसकी कोई साइड है उसकी जो सरफेस है उसको हम फीचर बोलते हैं ठीक है फीचर ऑफ साइज़ का क्या मतलब है रेगुलर फीचर ऑफ अ साइज़ और इरेगुलर फीचर ऑफ अ साइज़ ठीक है तो <coughs> रेगुलर फीचर ऑफ़ साइज़ का क्या मतलब होता है जैसे एक सिलेंड्रिकल या स्पेरिकल सरफेस है एलिमेंट है जिसके अंदर डायरेक्टली टॉलरेंस्ड साइज डायमेंशन होती है उसको हम रेगुलर फ़ीचर ऑफ साइज़ बोलते हैं राइट right? जिसके अंदर सारी चीज़ें आपकी डिफाइंड है उसको हम फीचर ऑफ साइज़ बोलते हैं ओके okay? तो फीचर ऑफ फीचर ऑफ साइज़ का कोई डिफरेंस नहीं है फीचर एक पर्टिकुलर पूरे पार्ट को बोल देते हैं और ऑफ साइज़ का क्या मतलब होता है कि उसके एक पर्टिकुलर पार्ट part को हम डिफाइन कर रहे हैं ठीक है तो वन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल सरफेस सर्कुलर एलिमेंट या टू अपोज पैरल एलिमेंट्स हो गए या अपोज पैरल सर्फेसिज हो गए जिसके अंदर हम डायरेक्टली कुछ टॉलरेंस दे देते हैं जैसे ये जो इसके बीच का जो टाइप है 3.0 पॉइंट जीरो टू पॉइंट एट है तो दिस इज़ अ फीचर ऑफ साइज़ तो इसके अंदर सिलेंड्रिकल अपोज पैरल लाइन्स पैरल uh, सर्फिसज़ जो हो गई तो ये जो थर्ड है ये पैरल सर्फिसज हैं सर्कुलर एलिमेंट जो हो गया तो एक ये फीचर ऑफ साइज है सारे तो कुछ नहीं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स हैं बेसिकली ओके तो हम वैल्यूज़ पे थे तो ये सब कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है वो उसमें टिक मार्क मार के दे रखा है बट इज़ वेरी ऑब्वियस कि यू नो स्ट्रेटनेस जो होगी वो कहाँ अप्लाई होगी एंड अगर फीचर पे अप्लाइड होता है स्ट्रेटनेस तो एक लाइन की बात होती है बट फीचर ऑफ साइज का होता है तो एक एक्सिस की बात होती है तो ये बहुत अच्छा चार्ट है जिसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि जो सर्कुलैरिटी है वो दो को सर्कल्स पे अप्लाई होती है बट जो सिलेंड्रिसिटी है वो दो सिलेंडर्स पे अप्लाई होती है तो यहाँ सर्कल्स आ गया यहाँ पे सिलेंडर आ गया तो दिस इज अ वेरी गुड चार्ट जिसके अंदर सब कुछ दे रखा है राइट right? सो so, नाव वी विल डायरेक्टली जम्प टू कुछ कुछ जो सिंगल ये सब हमने पढ़ लिया था ठीक है सिंगल लिमिट टॉलरेंस डायमेंशन क्या होती है ये डायमेंशंस में आएगा डायमेंशन की क्लास में हम सब कुछ करा देंगे आपको टॉलरेंस uh, की जो जैसे रेडियस टॉलरेंस है इसके अंदर काफ़ी अच्छा पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि डायरेक्टली टॉलरेंस रेडियस का क्या होता है कि जब सिम्बल आर स्पेसिफाइड है तो एक टॉलरेंस जोन होता है मतलब 2.4 की रेडियस दे रखी है प्लस माइनस पॉइंट थ्री का इन्होंने टॉलरेंस दे रखा है इसका ये मतलब है कि जो ये आर्क होगी इसका एक मिनिमम रेडियस भी होगा विच इज़ टू पॉइंट फोर माइनस पॉइंट थ्री तो टू पॉइंट वन मैक्सिमम होगा टू पॉइंट सेवन ठीक है राइटिंग कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है टू पॉइंट वन टू पॉइंट सेवन ठीक है तो ये जो है तरह से जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जाते हो तो कम ज्यादा उसका रेडियस हो सकता है ऐसे ही कंट्रोल्ड रेडियस में क्या होता है सीआर कंट्रोल रेडियस का क्या होता है कि टॉलरेंस जो होती है वो आर्क से बाउंड होती है इसमें क्या था कि आर्क जो है ये भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है राइट तो यहां पे क्या कंट्रोल रेडियस में कि जो अंदर वाली जो आर्क है मेन दिस इज कंट्रोल्ड तो ये प्रॉपर स्मूद है दैट इज़ दी ओनली ये देखो यहाँ पे शैल बी अ फेयर करव विदाउट फ्लैट्स और रिवर्सल्स ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर बट इट इज़ यू शुड नो इट कि सी आर कंट्रोल रेडियस और नॉर्मल रेडियस में क्या फ़र्क होता है सो यू कैन जस्ट टेल दैट दी फेयर करव इज़ विदाउट अ फ्लैट और अ रिवर्सल ठीक है वो टॉलरेंट जोन के अंदर बिल्कुल स्मूद करव होता है ठीक है तो ये सब चीज़ें जो हैं ये की टर्म्स व्यगी हमने बात कर ली फीचर क्या होता है फीचर ऑफ सरफेस क्या होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन मैंने पहले ही बता दी थी कि भाई 25 का इसका डाया प्लस माइनस टू है तो एम जो होगा वो मैक्स होता है शाफ्ट का हमेशा 25 प्लस दो जो है सत्ताईस है इंटरव्यू क्वेश्चन सिंपल सब पूछ सकते हैं ध्यान रखिए एल के अंदर क्या होगा कि वो पच्चीस माइनस दो हो जाएगा वो तेईस हो जाएगा वो शाफ्ट का हमेशा लीस्ट जो होता है शाफ्ट का देखते हैं होल में फिर इसमें होल में मिनिमम देखते हैं और इसमें होल में मैक्सिमम देखते हैं उल्टा हो जाता है ठीक है तो शाफ्ट दे रखी है तो आप प्लस कर देना होल दे रखा है तो माइनस कर देना अगर एमएमसी की बात हो रही है राइट लीज मटीरियल बाउंड्री रिगार्डलेस ऑफ फ्यूचर साइज इतना ज़्यादा यूज नहीं आता ठीक है तो इसके अंदर अभी जो डिस्कस करने का ज्यादा इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है ठीक है फ्री स्टेट का क्या मतलब होता है कि कोई पार्ट है इट इज फ्री ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इसका ये मतलब होता है कि डायमेंशन एंड अप्लाई वेयर पार्ट्स आर इन फ्री स्टेट कंडीशन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इसका मतलब ये है कि इस नोड या किसी पॉइंट पे आपका कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लगेगा तो यहाँ फ्री स्टेट का एक सिंबल आ गया है इसका मतलब कि यहाँ पे देर इज नो फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ठीक है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए रियल लाइफ में इतनी काम नहीं आती बट यू शुड नो अबाउट इट ठीक है ये आ गए उसके बाद कंटिन्यूस फीचर एक मॉडिफायर होता है सी एफ एक साइन होता है सारे साइंस मैं आपको समझा रहा हूँ इसका ये मतलब होता है कि दो अगर फीचर हैं तो इसको हम कंटिन्यूस मानेंगे इसका ये मतलब होता है तो यहाँ पे इसका रेडियस कम हो रहा है फिर ज़्यादा होता है ऐसा नहीं है कि ये जोड़ रखा है ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है इट्स द सेम पार्ट और उसको हम कंटिन्यूस मानेंगे ठीक है मतलब कि ये जो रेडियस है इसका बड़े वाला और ये जो रेडियस है ये सेम माना जाएगा बिकॉज यहाँ सी एफ लिखा हुआ है दैट इज वॉट इट मीन्स ठीक है अब आ गए हम फाइनली फीचर कंट्रोल्ड फ्रेम पे ठीक है फीचर कंट्रोल्ड सेम फ्रेम जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है विच इज़ डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स जिसके अंदर आपका एक सिंबल होगा ज्योमेट्रिक सिंबल होगा जिसमें टॉलरेंस की वैल्यू होगी जिसमें मॉडिफायर होंगे जिसमें डेटम रेफरेंसेस होगी डेटम का क्या मतलब होता है जो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जो कभी चेंज नहीं होता डेटम की कोई टॉलरेंस नहीं होती तो डेटम प्लेन का मतलब एक फिक्स स्टैंडर्ड प्लेन ठीक है तो इसके अंदर अगर ये बॉक्स ऐसा बना हुआ आएगा जो आप इसमें देखोगे कितने सारे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं ठीक है ये फ्लैटनेस uh, की हमने दे रखी है स्ट्रेटनेस की बात करते हैं तो ये इसकी uh, uh, ये जो डायमीटर है शाफ्ट का इट इज़ पॉइंट फाइव प्लस माइनस पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव ये इसकी लीनियर टॉलरेंस है और ये इसकी स्ट्रेटनेस है स्ट्रेटनेस में ये सिंबल आ रखा है पॉइंट जीरो ज़ीरो फोर इसका ये मतलब है कि ये शाफ्ट जो है इसकी जो सरफेस है ये ऊपर नीचे हो सकती है मतलब बिल्कुल सीधी शाफ्ट पॉसिबल नहीं है बनाना ठीक है तो वो ऊपर नीचे होगी ऊपर नीचे कितनी होगी उसका बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन ठीक है मैं बना के भी दिखा देता हूं इसका ये मतलब होता है कि अगर एक शाफ्ट है शार्फ्टिच इज लाइक दिस तो ऊपर नीचे कितनी हो सकती है उसका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पॉइंट जीरो जीरो फोर एक ज्योमेट्रिक हमने स्ट्रेटनेस की टॉर्गन डिफाइन कर दी है राइट दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट तो इसके अंदर जो पहला कंपार्टमेंट होगा इट विल ऑलवेज कंटेन वन ऑफ द फोर्टीन ज्योमेट्रिक सिंबल्स जो मैं आपको सारे सिंबल्स बता चुका हूं दैट विल बी देयर इन दैट ठीक है तो ये इसके अंदर आएंगे सेकेंड कंपार्टमेंट में सीधा टॉलरेंस की इंफॉर्मेशन होगी कि कितनी टॉलरेंस है टॉलरेंस वैल्यू क्या है ठीक है अब जो नेक्स्ट है आ, फॉर्म कंट्रोल में स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस सर्कुलरिटी सिलेंड्रिकलिटी इसके अंदर दो ही बॉक्स होंगे बट ओरिएंटेशन में देखो यहाँ एक लेटर आ गया प्रोफाइल में प्रोफाइल में भी नहीं आएगा रनआउट में आ जाएगा लोकेशन में तो हंड्रेड परसेंट आएगा क्योंकि हमें कुछ लोकेशन हमेशा किसी चीज के से देते हैं हम तो ये चीज़ें इसके अंदर आएगी फॉर्म के अंदर नहीं आएगा सो so यहाँ पे जो फॉर्म है फॉर्म कंट्रोल के अंदर इट डज नॉट यूज़ अ फीचर रेफरेंस बिकॉज रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है ठीक है बट अगर आपकी लोकेशन आ जाती है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कंपार्टमेंट्स व्हेन यूज्ड ऑलवेज कंटेन डेटम फीचर इंफॉर्मेशन मतलब ए बी और सी जो है दिस दीज आर द स्टैंडर्ड डेटम प्लेन्स और समथिंग रेफरेंस टू जिसके अंदर आपकी ये चीज़ हमें डिफाइन हो रही होगी ठीक है तो ओके <coughs> okay, तो मैं एक एक करके आपको सारे जो फॉर्म वाले एंड लोकेशन वाले एंड जितनी भी डिफरेंट तरीके के सिंबल्स और ज्योमेट्रिक मेट्रिक टॉलरेंसेज हैं एग्जांपल्स के साथ समझा दूँगा ठीक है तो ये बेसिक स्ट्रेटनेस वाला है इसका ये मतलब है कि अगर एक सिलेंडर है ठीक है या शाफ्ट है वॉट इसका पॉइंट टू का यहाँ पर ये तो जो है इसकी ज्योमेट्रिक लीनियर टॉलरेंस है राइट right? ये वाली ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है दिस इज लीनियर दिस इज ज्योमेट्रिक तो ज्योमेट्रिक में हमने स्ट्रेटनेस का दे रखा है तो स्ट्रेटनेस के अंदर बेसिकली पॉइंट टू का ये मतलब है कि ये जो दो लाइन्स है इसको बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक तरीके से हम अगर करेंगे व्यू uh, तो ये जो प्लस माइनस है ये मैक्सिमम जो इसकी डिफॉर्मेशन है ये पॉइंट टू अपार्ट होगी हमारी मतलब ये बिल्कुल सीधा तो हो नहीं सकता मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे है थोड़ा सा ऐसे का ये मतलब है कि अगर इसके बीच में दो पैरल लाइन बनाऊँगा तो ये जो आपका एरिया है दिस विल बी पॉइंट टू इसकी लेंथ जो है वो पॉइंट टू होगी दैट इज़ वॉट इट मीन्स ये तो सिंपल समझ आ गया इसके बाद प्लीज़ आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यू you नो know, सब कुछ क्योंकि मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ राइट स्ट्रेटनेस अप्लाइड टू अ फीचर ऑफ साइज़ इसमें क्या था स्ट्रेटनेस अप्लाइड टू अ सरफेस इसमें था फीचर ऑफ साइज़ फीचर ऑफ़ साइज में क्या है कि हमने इसके अंदर एक आ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता जो मर्जी हो ये हमें इस, इससे मतलब है क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर जो पॉइंट ज़ीरो फोर है वो हाँ फीचर ऑफ साइज़ में बट एक्सिस की बात होती है हमेशा ये उस एक्सिस मैंने ऐसा लिखा है कि एक्सिस भी शर्मा जाएगा बट दिस इज़ इज़ इसमें एक्सिस का कर्वेचर देखेंगे हम उसके सरफेस का नहीं देखेंगे उस चार्ट में टिक मार्क हो रखा था कि फ़ीचर ऑफ साइज़ में हम एक्सिस की बात कर रहे हैं ठीक है ऐसे सर्कुलरिटी होगी जब अप्लाइड टू अ फीचर ऑफ साइज़ तो ये एक सर्कल है ये इसका बेसिकली फ्रंट व्यू है फ्रंट ले लो साइड ले लो इसको फ्रंट ले लो तो ये साइड बन जाएगा इसको साइड ले लो तो ये फ्रंट बन जाएगा शाफ्ट है बेसिकली है। ये कि पॉइंट है तो इसका ये मतलब है कि ये जो इसका सर्कल है परफेक्ट सर्कल नहीं हो सकता है हल्का सा ऐसा ऐसा होगा तो दो सर्कल परफेक्ट सर्कल्स के बीच में इसको अगर हम बनाएंगे इसका जो ये आपका डिफरेंस है दिस इज़ कॉल्ड ये पॉइंट टू फाइव होगा दिस इज़ द टॉलरेंस जोन पॉइंट टू फाइव ठीक है दिस इज़ हाउ इट वर्क्स? ऐसे सिलेंड्रिकलिटी होगी तो सिलेंड्रिकलिटी में देख लो आप सिलेंड्रिकलिटी के अंदर फिर आपका ऊपर जो है कितना कम ज्यादा हुआ दैट विल कम परपेडिकुलरि परपेंडिकुलैरिटी आ जाती है सो दैट इज ऑल्सो अप्लाइड टू अ सरफेस मतलब कि दो सरफेस हैं अब परपेंडिकुलरिटी में आप समझिए कि परपेंडिकुलर किस चीज के होगा इसलिए एक ही ज़रूरत है बिकॉज परपेंडिकुलरिटी इफ यू गो हेयर इज एन ओरिएंटेशन जोमेट्रिक टॉलरेंस तो पैरलिजम परपेंडिकुलरिटी एंड एंगुलरिटी में ये एक थर्ड लेटर आ जाएगा क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए भाई किस चीज़ के पैरेलल किस चीज़ के परपेंडिकुलर तो ये एक स्टैंडर्ड फिक्स डेटम है ए जो पॉइंट है ओके सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फिक्स डेटम सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ ए डाल दिया ए हमने ले लिया कि भैया ये जो ये नीचे स्टैंडर्ड फ्लैट सरफेस जो है उसको हमने ए ले लिया ये हमारे पास पार्ट है ये उसका फ्रंट व्यू ले लो इसको हम साइड व्यू ले, ले लेते हैं तो इसका ये मतलब है कि अगर ये वाला जो पार्ट है 90 डिग्री यहाँ से उठेगा थोड़ा बहुत प्लस माइनस जो है वो इतना हो सकता है और वो इतना कितना प्लस माइनस होगा वो पॉइंट टू का होगा सो दिस दीज टू पैरल प्लेन्स आर पॉइंट टू अ पार्ट पॉइंट टू डिग्री नहीं है वो डिस्टेंस ही मान रहा है प्लेन्स के बीच में ठीक है ये इसका मतलब है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसमें आप क्या कर रहे हो राइट देन पैरलिज्म पैरलिज्म के लिए भी हमें एक किस चीज़ के पैरल है तो हमने ए जो है ए के रिस्पेक्ट में पैरल है ए इज द फ्लैट ग्राउंड ये हमने डेटम प्लेन बेसिकली ए है नीचे का साइड से देखोगे तो प्लेन भी तो लाइन ही दिखती है ना यार दिस इज जस्ट अ प्लेन तो ये जो इसका टॉलरेंस जोन है वो पॉइंट वन अपार्ट होगा डेटम प्लेन से प्लस माइनस में सो so, इसका ये मतलब आ जाता है पैरलिज्म के अंदर ठीक है उसके बाद अपना पैरलिज्म अप्लाइड टू अ फीचर ऑफ साइज आ जाएगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो कि यहां पैरलिज्म का हमारा सिंबल आ, आ गया ये डायमीटर आ गया दिस इज एम एम सी कंडीशन एंड दिस इज द डेटम प्लेन थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो यहां पे अपना ए जो है दिस इज अ फ्लैट प्लेन जो हम अगर आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो दिस इज द प्लेन देन ऊपर नीचे करने बजाय यहीं सेट कर देते हैं सो so, हाँ तो अब आपको ढंग से थोड़ा सा समझ आएगा दैटी फाइव ओके सही है ठीक है नो प्रॉब्लम सो इट इज ये जो होल है उसके लिए डिफाइन हो रहा है ये सारा चीज तो इसकी ये बात आ गई इसका आपका आइसोमेट्रिक में ये दिख गया आपको ठीक है तो एक्सेस ऑफ डायामीटर जो होता है मस्ट वी विद इन द टॉलरेंस जोन टॉलरेंस जोन जो है फॉर एम एम सी विल बी पॉइंट वन मतलब कि जो पॉइंट वन है इसका एक्सेस ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पूरा डिफाइन कर दिया तो जो पॉइंट वन है पैरल साइन है ये वन पॉइंट वन के डाया मीटर सिलेंडर का जो होगा इट विल बी प्लस माइनस दैट इज वॉट इट मीन्स तो इस तरीके से आपको इसको समझना है ठीक है दिस इज द टॉलरेंस जोन विच विल बी अ पॉइंट वन डाया सिलेंडर जिसके अंदर होल का एक्सेस ऊपर नीचे घूम सकता है ओके देन कंसेंट्रिसिटी आ जाती है कंसेंट्रिसिटी में क्या होता है अगेन uh, सिंबल आ गया कंसेंट्रिसिटी का पॉइंट टू जो आ गया वो डायमीटर जो होता है तो, और ए जो है डेटम प्लेन है यहाँ पे हमने डेटम प्लेन डिफाइन कर दी है डेटम एक्सेस आ गया ओके okay. तो ए कुछ भी हो सकता है इट शुड कैन बी अ डेटम प्लेन कैन बी डेटम एक्सिस यहाँ पे एक्सेस आ गया तो ये हमने डेटम एक्सेस ले लिया पॉइंट टू इसका टॉलरेंट जोन है मतलब इस जोन का डायमीटर है मतलब एक ट्यूब मान के चलो आप इसके अंदर इसका एक्सेस घूम सकता है इतने से एरिया में तो थोड़ा बहुत इसमें ये फर्क आएगा राइट right? सिमेट्री के अंदर आ गए किस चीज़ के सिमेट्री के है? हमेशा पता सिमेट्री तो हमेशा किसी रेफरेंस की होती है तो यहाँ पे भी थर्ड बॉक्स में आएगा ए ए इज हेयर द डेटम फीचर सेंटर प्लेन सेंटर प्लेन मान लिया हमने इसको सेंटर फेन के बाद इस ये एक टॉलरेंस जोन है प्लस माइनस का पॉइंट एट जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट जो है प्लस माइनस सिमेट्री में थोड़ा सा प्लस माइनस पॉइंट एट के अंदर हो सकता है मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है थोड़ा सा नीचे की साइड भी हो सकता है बस पॉइंट एट के टॉलरेंस जोन के अंदर रहेगा इसका एक्सेस राइट तो आई थिंक नाउ इट इज ईजी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या चीजें आती है यहां पे भी समझ लो सब कुछ ठीक है लोकेशन का फाइनल देख लो पोजिशन का पोजिशन के अंदर हम आते हैं जनरल ठीक है इसको मैं पतला कर देता हूँ इसके बाद आपकी क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी सो दिस इज पॉइंट जिसके अंदर ये डिफाइंड है पॉइंट वन फोर के ट्यूब जो मैंने समझाई थी वैसे मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के हिसाब से ए बी सी जो है तीन इसके अपोजिशन है तो एक्स वाई जेड तीनों डिफाइन करना होगा ना तो ये इसका ए है ये इसका बी है ये इसका सी है समझे तो इसका ये एक्सप्लेनेशन आ गई है इसमें पॉइंट टू टू का एक जोन है एक पॉइंट वन फोर का जोन है एम एम सी तो ये पॉइंट वन फोर जो है हम इसको पॉइंट वन फोर मानेंगे इसके अंदर यहाँ से पॉइंट थ्री एट यहाँ से पॉइंट टू बिकॉज ये इसका डिस्टेंस है इन दोनों जगह से ये डिफाइन कर दिया इसके अंदर उसका पोजिशन जो है पॉइंट की है राइट कंसेंट्रिसिटी में भी वही आपको दिखा दिया था पॉइंट जीरो फोर के रेडियस के अराउंड घूमेगा वो ट्यूब जो बनी हुई दिखा दी थी सिमेट्री के अंदर भी वही चीज़ है सो इजी इनफ टू अंडरस्टैंड टॉलरेंसेस मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कोई भी स्लाइड देख लो सब में वही होता है सिलेंड्रिसिटी आ जाती है परपेंडिकुलरिटी आ जाती है ठीक है इसमें चले जाओ इसमें भी वही है तो नेक्स्ट अब हम जो कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे फिट्स वी विल डू फिट्स कौन कौन सी फिट्स होती है राइट डायमेंशनस किस अच्छा फिट्स के अंदर इंटरफेरेंस फिस्ड फिट कौन सी होती है क्लियरेंस फिट कौन सी होती है ठीक है दोनों चीज़ें समझेंगे इट्स वेरी सिंपल उसके बाद स्टैंडर्ड सिंबल्स आ जाएंगे आपके होल साइज़ का आ गया शाफ्ट साइज़ आ गया फिट साइज़ का आ गया एच एट का क्या मतलब होता है एफ़ सेवन का क्या मतलब होता है चार्ट कैसे पढ़ते हैं हम ठीक है उसके बाद सिंबल्स वगैरह सब हो गए तो टॉलरेंसेस आपकी नाइन्टी परसेंट हो गई है कुछ रह गया होगा तो मैं अलग वीडियो में डाल दूंगा बाकी चीज़ें जो हैं आपको रनआउट वगैरह कुछ एक्सप्लेन करना रह गया था वी विल एक्सप्लेन इट टू लेटर ठीक है बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं रहती इसके अंदर तो ये सब आई थिंक टॉलरेंस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू एंड इसके बाद हम फिट्स